हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीबीएमएस के बारे में और डेटाबेस के बारे में सो so, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज डेटा डेटा आखिर क्या होता है सो इन सिंपल वर्ड्स डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा बेस रिलेटेड फैक्ट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बारे में जो हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो वो हो सकते हैं आपके नेम एज हाइट वेट एक्सेट्रा तो दीज आर ऑल सेड टू बी डेटा रिलेटेड टू यू ये आपसे रिलेटेड डेटा है तो यहां दो शब्दों पर ध्यान दीजिए डेटा और रिलेटेड यानी आपसे जुड़ा हुआ डेटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका डेटा है <coughs> वॉट इज डेटा बेस डेटा बेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा तो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन डेटा का उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सो दैट इट कैन बी इजली एक्सेस्ड एंड मैनेज तो इसको इस तरीके से इसलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम इसको इजिली एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें एक्सेस का मतलब कि सपोज हमें आपकी हाइट चाहिए तो हम आसानी से आपकी हाइट निकाल सके नेम चाहिए तो नेम निकाल सके और मैनेज कर सके हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं ये देखिए ये है एक वेल मैनेज्ड डेटा तो यहां पर हम कस्टमर आईडी बोल सकते हैं उसकी जो भी है फिर नेम है लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड बर्थ डेट तो इस तरीके से हम किसी के बारे में जो डेटा है उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वेल well मैनेज और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने यहां स्टोर कर सकते हैं सो हियर द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल फॉर्म इन रोज एंड कॉलम्स ठीक है नो व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस अब रिलेशनल डेटाबेस क्या है अ टाइप ऑफ डेटाबेस इड्स एक्सेस टू डेटा पॉइंट दैट आर रिलेटेड टू वन अनादर तो इसमें ऐसे डेटा का स्टोर होता है कि जिसमें रिलेशनल में जो दे आर रिलेटेड टू वन अनदर इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रिलेटेड वर्ड पर फोकस करिएगा यानी सपोज अगर मैं किसी डेटा की बात करूं डेट ऑफ बर्थ की तो ये जो पहला रिकॉर्ड है ये रिलेटेड है किससे इसके पहले कस्टमर से ऐसे दूसरा रिकॉर्ड रिलेटेड है दूसरे कस्टमर से तो यहां सारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है एक दूसरे से मतलब ये आपस में रिलेटेड है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस इट यूजेज द स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू मॉडिफाई आइडेंटिफाई एंड एक्सेस डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एक डेटा को दूसरे डेटा के रिलेशन में जैसे अगर हमको डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो हम उसकी कस्टमर आईडी से रिलेट करके उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सो दिस इज नोन एज रिलेशनल डेटा बेस यहां डेटाबेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं जैसे डेटाबेस एक्यूरेट होना चाहिए इजी टू अपडेट डेटा यहां डेटाबेस के अंदर इजी टू अपडेट होना चाहिए सिस्टम सिक्योरिटी ऑफ डेटा होनी चाहिए डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए इजी टू रिसर्च डेटा होना चाहिए ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए हमारे पास और मैनेजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये सारी फैसिलिटीज हमारी हमारे पास होनी चाहिए फिर एक सवाल खड़ा होता है वाई यूज डेटाबेस हम डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों ही करें आखिर तो डेटाबेस कैन स्टोर वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफेक्टिवली बहुत बड़ी संख्या में रिकॉर्ड्स को जो है डेटाबेस बड़ी आसानी से स्टोर कर सकता है इट इज वेरी क्विक एंड इजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन इसमें इंफॉर्मेशन का पता लगाना बहुत क्विक होता है और इजी होता है इट इज इजी टू फाइंड एड न्यू डेटा एंड एडिट और डिलीट द ओल्ड यानी कि हम डेटा को एडिट बड़ी आसानी से कर सकते हैं डेटा कैन बी सर्च इजली सर्च करना भी आसान है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फाइल में कोई एक वर्ड सर्च करना हो तो आपको सर्च ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा लेकिन फिर भी उसमें एरर्स हो सकती है लेकिन अभी आप वही काम डेटा बेस में करेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे और उससे रिलेटेड डेटा भी आप निकाल पाएंगे डेटा कैन बी सॉट एड इजिली वहां पे सॉर्टिंग भी आसान है डेटा कैन बी इंपोर्टेड इन टू अनदर एप्लीकेशन मोर देन वन पर्सन कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस मल्टी एक्सेस एंड सिक्योरिटी कैन बी बेटर देन इन पेपर फाइल तो एक फाइल से बेहतर सबको सिक्योरिटी मिलती है एक डेटाबेस में डेटाबेस के यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि डेटाबेस में कोई भी डेटा कोई भी रिकॉर्ड रखने के लिए हो सकता है फॉर एग्जांपल पुलिस केस में क्रिमिनल्स का डेटा बेस हो सकता है स्कूल्स में स्टूडेंट्स का डेटा बेस हो सकता है टीचर्स का हो सकता है हॉस्पिटल में पेशेंट्स का आप डेटा रख सकते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जो उनके एम्प्लॉय हैं और जो लोग उस वहां पर अप्लाई करते हैं जो भी का, जिस काम के लिए वो ऑफिस बना इन सब चीजों का भी डेटा मेंटेन किया जा सकता है ये बहुत बहुत सारे यूज हैं डेटाबेस के आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हम जिस टॉपिक को डिस्कस किया वो टॉपिक भी समझ आया होगा So, आप हमें कमेंट कर, कर बता सकते हैं कि आप फर्दर किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं थैंक यू फ्रेंड्स